आप कभी भी यूपीएससी के लिए अपना पढ़ाई स्टार्ट करो ना, तो एक बात हमेशा अपने दिमाग में याद रखना, ताकि वो आपको आगे चल के बहुत हेल्पफुल जो है वो आपको प्रॉफिट दे। ठीक है, देखो कभी भी बुक को पढ़ो ना, जैसे कि मान के चलो मध्यकालीन भारत की किताब है, ठीक है, मान के चलो आप इसको पढ़ो ना, कभी भी आप सांस्कृतिक जीवन को पढ़ो या कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप पढ़ो जो जैसे कि धार्मिक और सामाजिक जीवन, शिक्षा और धार्मिक, मतलब कहने का मतलब किसी भी चैप्टर को पढ़ो, तो हमेशा आप कोशिश करो कि चैप्टर को पढ़ने के साथ आप छोटा छोटा शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे व्हाइट पेज में ऐसे बना करके रखा करो। इससे क्या होगा ना कि देखो शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर मान के चलो किताब को एक बार पढ़ लेंगे, और किताब को पढ़ने के बाद क्या होगा, क्योंकि किताब तो भाई बहुत बड़ा है, मोटा किताब होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम उसको दो मिनट या आधे घंटे में खत्म कर लेंगे। तो यहीं से आप शॉर्ट क्वेश्चन निकाल के आप ऐसा कॉपी में व्हाइट पेज में लिख करके रखोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो आपको क्विक रिविजन होगा। ये आप एम लक्ष्मीकांत की किताब के साथ भी कर सकते हो, हिस्ट्री के साथ, पॉलिटी के साथ, ज्योग्राफी के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल